अब बात करते हैं सुशांत केस की। एक के बाद एक हो रहे खुलासे और मोड़ के बाद सुशांत सिंह केस में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा थाने में सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रिया का आरोप है कि सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के कहने पर ही वो सुशांत को दवाई देती थी। वहीं आज एक बार फिर एनसीबी ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सुशांत केस में एक और बड़ा ट्विस्ट। बांद्रा पुलिस स्टेशन में रिया के वो 6.5 घंटे सुशांत की बहन के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। रिया ने सुशांत की बहन पर लगाया बड़ा आरोप। बहन के कहने पर देती थी सुशांत को दवा। हर दिन सुशांत केस में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। कभी शौबिक का ड्रग्स को लेकर कबूलनामा, कभी रिया का सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाना और अब सुशांत की बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना, जो इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बनाता जा रहा है। सुशांत केस में ताजा मामला एफआईआर का है, जो रिया ने दर्ज करवाई है सुशांत की बहन के खिलाफ। रिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर तरुण कुमार पर मामला दर्ज कराया है, जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका और डॉक्टर तरुण कुमार पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका के खिलाफ धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस 2020 के तहत केस दर्ज करवाया है। सुशांत की बहन प्रियंका पर 420, 464, 465, 466, 468, 474, 306, 120B और सेक्शन 8 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें मुख्य आरोपी सुशांत की बहन और आरएमएल डॉक्टर तरुण कुमार को बनाया गया है। वहीं इस एफआईआर पर सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा है, ये शिकायत बेबुनियाद है, जिसका कोई आधार नहीं है। इस एफआईआर का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस की दखलअंदाजी को सुशांत केस में बनाए रखने के लिए किया गया है। कंप्लेंट जो है, एक तो बिल्कुल मुंबई पुलिस का उस पर कोई अख्तियार नहीं कि इस तरह का कंप्लेंट पहली बात एक्सेप्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी इस मामले से संबंधित कोई भी कंप्लेंट होगी वो सीबीआई को ही जाएगी। इसलिए एक ये साजिश है कि किसी तरह से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है, जिसमें कि मुंबई पुलिस किसी न किसी तरह से इसमें हस्तक्षेप कर सके इस इन्वेस्टिगेशन में। वहीं विकास सिंह का ये भी कहना है, जिस टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस के तहत ये मामला दर्ज किया है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, ऐसे में ये मामला बनता ही नहीं है। जो ये गाइडलाइंस की बात कर रही है उस कंप्लेन में, टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस, ये टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। इस गाइडलाइंस के बेसिस में कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो सकता। इस गाइडलाइन के अंतर्गत जो इन्होंने जो भी कंप्लेंट करने की कोशिश की है वो बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है, मतलब उसका पुलिस उस इस मामले में पुलिस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता इस मामले में। इन सवाल जवाब के दौरान न्यूज 24 संवाददाता ने जब विकास सिंह से ये पूछा कि जो जांच शुरू हुई थी वो मर्डर को ध्यान में रखकर की गई थी, लेकिन अब ये मामला ड्रग्स पेडलिंग की ओर मुड़ गया है, इस पर विकास सिंह ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, ये ड्रग एक एडिशनल एंगल है। ड्रग के आ जाने से मतलब ये नहीं कि मर्डर या जो एबिटमेंट टू सुसाइड किसी तरह से वो केस कमजोर हुआ है। वो केस होने के बावजूद ये एक और एडिशनल केस निकल के आया है सारे मामले में, और इसमें भी बड़ी सीरियस ऑफेंसेस निकल के आ रही हैं। इसमें सिर्फ ड्रग कंजम्पशन की बात नहीं आ रही है, बट ड्रग डीलिंग की बात भी आ रही है। इसलिए ये मामला किसी तरह से, ड्रग का मामला आना मेन केस को किसी तरह से कमजोर नहीं करता है, मेन केस को किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करता है। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीबी ने रिया से कल करीब 8 घंटे की मैराथन पूछताछ की, जिसके बाद रिया एनसीबी के दफ्तर से निकली और माना जा रहा था कि वो अपने घर जाएंगी, लेकिन वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां करीब 6.5 घंटे तक वो पुलिस स्टेशन में रही।
खबरों की माने तो एनसीबी आज एक बार फिर से रिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है। करीब 6.5 घंटे तक रिया चक्रवर्ती का बयान इस बांद्रा पुलिस थाने में सीनियर इंस्पेक्टर और एक एसीपी के मार्गदर्शन में दर्ज किया गया। मामला क्या दर्ज हुआ इस पर अब भी बांद्रा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं निखिल कापसे वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए यहां से निकल गए। लेकिन बता दें जानकारों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और एक डॉक्टर तरुण कुमार के ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत कई ऐसे अपराध पुलिस को बताए हैं जिनके तहत प्रियंका सिंह और डॉक्टर की मिली भगत से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से वो दवा सुशांत सिंह को दी जाती थी जिसके कारण सुशांत की मौत हुई। कैमरामैन सिद्धेश नाइक के साथ प्रवीण मिश्रा, मुंबई न्यूज 24।